अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? पता फिक्र करें कि मैं खैरियत से, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो है ना, वो बहुत ही मज़ेदार सा होने वाला, मज़ेदार इस तरह से होने वाला कि हमने आप लोगों से आज अपनी सारी शेयरिंग करनी है। कल पेपर था और वापसी पर ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी, जिसकी वजह से ना मेरा गला जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया, फ्लू भी आ गया। शहजाद जो है ना वो हंस रहे हैं मेरी आवाज़ पे, हैं शहजाद? तो जी शहजाद, सबसे पहले हमारी आपसे गुजारिश होती है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और उसके बाद हमारे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है। अच्छा जी, मैंने ना एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया था। वो बिज़नेस स्टार्ट किए हुए मुझे अभी तकरीबन 2 हफ्ते भी नहीं हुए, और आपको बताता चलूं कि ये बिज़नेस ना मैंने 500 रुपये से स्टार्ट किया, सिर्फ 500 रुपये से। असल में मैंने बनाई थी एक छोटी सी दुकान, ये देख लें जी। पहले तो मैं वहाँ पर चारपाई रख के ना सामान बेचा करता था, तो अब अंदर मैंने जगह बना दी है, ये देखें। मैं तो अभी आपको भी बता दूं कि पहले दिन 500 रुपये में तकरीबन 1, 2, 3, 4, बस ये 4 पै कटाए थे। अब देख ले माशाल्लाह से 4 पाई भरी हुई है, ठीक है ना। ये भी भरी हुई है, एक वो पीछे लटक रहा है, और ये कुछ सामान देख लें, ये भी खड़ा है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से भाई, अब ना हम 1100-1200 का डेली ले आते हैं, डेली का मैं ही ले आता हूँ, ठीक है ना। यानी कि हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है, तो बस आपने दुआ करनी है। हमारी जो किचन है ना वो ओपन है, तो हमने आपसे आज शेयरिंग करनी है शाम की रूटीन के। सर्दियां भी हैं लेकिन ओपन किचन है, और इस तरह से हम ना किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, बाबा जी क्या हाल है? ठीक हो भाई? इधर भाई नीचे बेबी सो रहा है, और बाजी ना उनकी रखवाली यानी के झूठे देन पे बैठी हुई है, और यहाँ पे देखिए इन्होंने मालते वगैरह भी खाए हैं चोरी चोरी, छुप के छुप के। और ये अम्मी जान की मशीन पड़ी है यहाँ पे ना, ये थोड़े से कपड़े सिलाई कर रही थी, ये देखें भाई ये फिरती हैं अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सारे ठीक हो? शुक्र अल्लाह, सब ठीक है। मेरे बेटियां बेटे अल्लाह तुम्हें खुश रखे जी, खैर। हाँ एक ही अल्लाह सांस मैं में कहा है खुश भाई जान, एक ही रखे। सांस में कहा है। फातिमा के सारी गाली छोड़। अच्छा ये भाई मिट्टी वगैरह काफी लग गई थी हमारी सब्जी को, तो अम्मी जान ये देखें जी वाश कर रहे हैं। ਲਖਣਾ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਮੰਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗੌਰ ਦਾ ਵੇਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਆ हाँ ਨਾ जी, ਸ਼ਾਜਾ। हाँ मैंने ही पढ़ा था भाई, हाँ ये बात हकीकत है। और ये देखें जी, पहले ये तार लगी हुई थी वहाँ से वो दरख्त के साथ, लेकिन अब अम्मी जान ने एक्सचेंज करके यहाँ से ना यहाँ पे लगा दिए, छोटे बेबी के लिए ये तार लगाए स्पेशल हम अम्मी लोगों ने। जान जो है, अम्मी जान पे नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हाँ हैं अम्मी जान का घर दिल में। अब कर रहा था ये जो नियो, ये बड़ी तार है ना, नई जगह पे इसको भी लगा देते हैं। ना ये तार है ये वाली, और ये हमारी किचन है। तो ये भाई मैं निकालने लगी, बिस्मिल्लाह पढ़ने लगी हूँ। ये हाँ शायद यार आप लगाते हुए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी ना, इसलिए अच्छी नहीं इसलिए है। अच्छी फसल नहीं हुई हमारी। ये ना मेरी मशीन दी खराब है, जिस ते आ बरेंदी मैं मन हाथ ना लाई कट बना लेंगी, सही नहीं शायद। हाँ ठीक है, मेरे कपड़े ना मैं सही करया नहीं पई, कल साड़ी एक मंगनी है मैं उदे वैना है, अज नैना मैं पकई सी। शाम दी रूटीन जड़ी आंदी है अच्छा सालन ते रोटी ते हर सारा, अज सदवा बहन दी रंदी में काम
मैं तो भाई अपनी तैयारी पे करनी, चलो पुराने शराने बना के ते चौं बंद में बंद टोर तो बना टूरे कहन के अब तो बिना नवे हैं कि नहीं, ये पुराने कपड़े बना के चंगे प्रेस करके ते बंदा पा तो बन ता ही सोने लगते हैं। फुल प्रोटोकॉल से जाए हाँ हैं जी सर। भाई कल है मंगनी, तो अम्मी जान उसी की तैयारी में लगे हुए हैं, हाँ तो अभी मंगनी पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ले चलेंगे इंशाल्लाह, अगर जाते भी हैं तो। हाँ भाई अम्मी जान कह रहे हैं कि जाना है, लेकिन आगे वाले बुलाएं भी तो तब ना, और सदे ना तो इंजे टोर पर भी। तुम लोग तो तैयारी कर रहे हो ना। हाँ हम भाई फुल हाँ तैयारी में हैं, बुलाएं ना बुलाएं हम तो जाएंगे। अच्छा अच्छा भाई जैसे कि हमने कल जिक्र किया था कि हमारे मेहमान आने वाले हैं रात को, तो अभी रात टाइम तो आ गए थे, अभी आपको दिखाते हैं, अंदर जाना पड़ेगा। ये देखो भाई ये हैं हमारे मेहमान, और देखें जी सो रहे हैं। सुते रहो भाई सुते रहो, जगा दिया भाई, असल में रात को आए हैं और अभी तक देखें भाई 3 बजने वाले हैं और सो रहे हैं। जैसे भाई बेटा है ना, बेटा भी सो रहा है और माशाल्लाह से अबू जान भी सो रहे हैं नींदे। हाँ जैसा बेटा वैसा बाप, या हाँ जैसा बाप वैसा बेटा, पहले से बाप है ना। पहले शहर यार आग जला के देते हैं, आज ये पूरी हिम्मत करनी पड़ेगी है। हाँ बड़े दिनों के बाद हिम्मत कर रही हो ना। यार जलाना का काम जो है ना वो आज मैंने करना है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। देखती थी शहरयार को वो आग जलाते कैसे हैं, ऐसे ये भी छोटी छोटी लकड़ी ना रखते होते हैं कि ये अच्छी हो जाती है। पहले डाल देते हैं हम लोग घी, मसाला जो है ना माशाल्लाह सब अच्छे से तैयार हो गया, तो अब हम इसमें सब्जी डाल देते हैं। हमने ना पालक बहुत थोड़ा लिया है मकदार में, क्योंकि अम्मी जान को ना पालक आलू में अच्छी नहीं लगती ज़्यादा, तो बस ये हमने अपने शौक के लिए थोड़ी सी डाल दी। माशाल्लाह भाई बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, वाह अच्छा भाई वाह। और बड़े दिनों के बाद सालन बनाया आपने, लेकिन कमाल का है। नहीं मच्छी तो नहीं मैंने बना दी, फिश बन रही है। नहीं आलू में फिश आलू है, कहाँ, फिश वाले नसीब अभी नहीं जागे मेरे। जगाएगा। नहीं वैसे खुशबू आपको इस तरह की आई है ना, खुशबू मुझे आलूओं की आई है, आलू की मच्छी की आई कोई है, नहीं आई। मुझे लगता मक्खी होगी। फिर सालन जो है ना माशाल्लाह से हमारा तैयार हो गया, ये देख। वाह भाई वाह,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह मेरे बरकत पा हर चीज़। आए भाई ताजमहल मुबारक, ये देखें दरबार के सामने भीड़ आप देख सकते हैं। ये एक पूरी ट्राली यहाँ पे आई हुई है ज़ियारत के लिए, बड़े मशहूर दरबार है। और ये देखें जी, आज जुम्मत मुबारक है तो बाज़ार में गहम गहम ही पड़ी हुई है। अच्छा जी, अभी हमारा यानी कि खाना तैयार होने लगा है। सालन तो हमने बना लिया है और बस रह गई रोटियाँ। तो शाम के 5 बज चुके हैं जनाब, तो हम तकरीबन ना 5:30-1 बजे तक यानी कि खाना वगैरह खा लेते हैं। तो अभी ये देखें जी अम्मी जान यहाँ पे रोटियाँ वगैरह बनाते हैं। अच्छा अभी भी रोटियां पक गई हैं, बस मेरे लिए पकाई हैं इन्होंने, अब इनका मूड नहीं है खाने का। ये देखें जी, ले आएँ भाई सालन भी ले आएँ। माशाल्लाह भाई सालन भी आ गया और रोटी भी आ गई है, तो इसको पहले टेस्ट करते हैं हम लोग। वाह भाई वाह। अच्छा भाई अभी ना हम लोग शाम का खाना यानी खा लेते हैं और सारे काम हो चुके हैं हमारे तकरीबन। तो भाई उम्मीद करते हैं कि व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।